नमस्कार, मैं शीना अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। परिसीमन आयोग का बड़ा ऐलान, खाली रहेंगी पीओके की 24 सीटें। जम्मू कश्मीर के लिए गठित परिसीमन आयोग ने कहा है कि विधानसभा में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से संबंधित 24 सीटें खाली ही रहेंगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में परिसीमन की प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च तक पूरी कर ली जाएगी, इसके बाद यहाँ चुनाव हो सकेंगे। रिटायर्ड न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग ने 2 दिन कश्मीर संभाग और 2 दिन जम्मू संभाग का दौरा किया। केंद्र ने मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में परिसीमन आयोग का गठन किया था और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा और जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त के शर्मा को सदस्य नियुक्त किया था। कल्याण सिंह का स्वास्थ्य स्थिर, पीएम मोदी ने फोन पर सेहत की जानकारी ली। लखनऊ के SGPGI में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की तबीयत स्थिर बनी हुई है। वह ICU के स्टाफ और अपने परिवारजनों से सांकेतिक भाषा में बातचीत भी कर रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से जुड़ी बातों को याद कर भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि JP नड्डा जी के साथ हुई बातचीत के दौरान कल्याण सिंह जी ने मुझे याद किया, यह बात मुझे गहरे तक छू गई। कल्याण सिंह जी के साथ मेरी बातचीत की अनेकों यादें हैं, उनसे बात कर हमेशा सीखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने कल्याण सिंह के पोते को फोन कर पूर्व मुख्यमंत्री की सेहत के बारे में जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की शुभकामना दी। शनिवार को तबियत बिगड़ने पर 89 वर्षीय कल्याण सिंह को PGI में भर्ती किया गया था। एक्शन में रेल मंत्री, बदला कर्मचारियों का समय, 2 शिफ्ट में होगा काम। रेल मंत्रालय की कमान संभालते ही मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़े बदलाव का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्रालय से जुड़े कर्मचारी और अधिकारी अब 2 शिफ्टों में काम करेंगे। पहली शिफ्ट सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 4 बजे तक चलेगी, जबकि दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर बाद 3 बजे से शुरू होकर रात 12 बजे तक रहेगा। रेलवे बोर्ड के अधिकारी के अनुसार इस नए आदेश के दायरे में सिर्फ मंत्री सेल के कर्मचारी और अधिकारी ही आएंगे। निजी और रेलवे स्टाफ पहले की तरह काम करता रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि रेल के जरिए लोगों के जीवन को बदलना है और इसका लाभ सभी लोगों को मिले, यह सुनिश्चित करना है। देश में कोरोना के 43,504 नए केस, महाराष्ट्र और केरल ने बढ़ाई चिंता। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर एक बार गिरावट दर्ज की गई है। एक दिन में 43,504 मरीज मिले, जबकि 44,204 मरीज ठीक हुए और 908 लोगों ने जान गंवाई। इस दौरान सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आए हैं। हालांकि अब एक्टिव केस में कमी आई है, जबकि एक दिन पहले एक्टिव केस में 336 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। इससे पहले 12 मई को एक्टिव केस में 6,399 का उछाल आया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र और केरल में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी पर चिंता जताई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क और बिना सामाजिक दूरी बनाए घूमते नजर आ जाते हैं, यह अच्छा नहीं है। सभी लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। कोवैक्सीन को जल्द मिल सकती है WHO की मंजूरी, फाइनल फेज के ट्रायल का डेटा अच्छा। देसी वैक्सीन कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक के लिए एक अच्छी खबर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने भी कोवैक्सीन को असरदार माना है और इसकी सराहना की है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के फाइनल फेज के ट्रायल का डेटा अच्छा रहा है। कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी के संबंध में प्री सबमिशन बैठक 23 जून को हुई थी और अब उसके ट्रायल के डेटा पैकेट को इकट्ठा किया जा रहा है। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा अच्छा है और उन्होंने वेरिएंट को भी देखा है, इसकी एफिशिएंसी काफी अधिक है। कोवैक्सीन की सुरक्षा प्रोफाइल अब तक WHO के मानकों को पूरा करती है। दिल्ली NCR में आज फिर होगी राहत की बारिश, बिहार और UP में भी बरसेंगे बादल। दिल्ली NCR में जारी गर्मी के बीच आज भी राहत की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली NCR में आज गरज के साथ बारिश होगी। दिल्ली के साथ प्रमुख रूप से मानेसर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, खतौली, मोदी नगर, हापुड़, भिवाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, इससे दिल्ली NCR में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी मध्य बिहार और पूर्वी बिहार में कुछ जगहों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। उत्तर बिहार की ओर बारिश की गतिविधियों में आंशिक कमी के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर बना चक्रवाती परिसंचरण आसपास के इलाके में झमाझम बारिश कर सकता है। अफगानिस्तान से और जल्दी निकलने के प्रयास में अमेरिका, बाइडेन ने समय सीमा घटाई। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के ऐलान के बाद से एक ओर जहां तालिबान कहर बरपा रहा है और 100 से ज्यादा जिलों पर कब्जा कर लिया गया है, वहीं अफगान सेना की मदद करने के बजाय अमेरिकी सैनिक और जल्दी अफगानिस्तान को खाली करने की तैयारी में है।
राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा 31 अगस्त तक अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में सैन्य अभियान बंद कर देगी। इससे पहले अफगानिस्तान को छोड़कर जाने की समय सीमा 11 सितंबर थी और बाइडेन तय समय सीमा से पहले ही अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। बाइडेन ने यह भी माना कि तालिबान भरोसा करने लायक नहीं है। बाइडेन ने तालिबान और अफगान सरकार से अपील की कि वे शांति समझौते पर हस्ताक्षर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ लाइव।